अमृतसर की वर्कशॉप के विच असी खड़े हैं जिस जगह पर अज सवेरे एक सरकारी जिहड़ी पंजाब रोडवेज की बस में अग लगी है। हालांकि 2:50 से यह बस वर्कशॉप के अंदर एंटर हुई सी। सो तस्वीर तुसी देख सकते हो, अग की वजह हाले तक पता नहीं लग पाई है, लेकिन इस अग की वजह ना सारी बस सड़ के सुआह हो गई है। सो चंडीगढ़ों किन्ने बजे बस निकली सी, गल करने लिए साडा जोत सिंह जी साडा मौजूद है जिहड़े प्रधान है। सो पंजाब रोडवेज की बस की तस्वीर तुसी देख सकते हो। सो अंदर की तस्वीर भी तुहानू दिखाने की कोशिश करांगे कि अग इन्नी भयानक सी कि बस दे सिर्फ बाहरला ढांचा ते टायर जरूर बचे आ, बाकी सारी बस सड़ के सुआह हो गई है। सो जिहड़ी सीटां भी इस वेले पूरियां खत्म हो चुकी हैं। सो बस की सिर्फ बाहरली बॉडी जरूर थोड़ी जी बची है, लेकिन अंदरों सारी बस सड़ चुकी है। सो जोत सिंह जी साडा मौजूद है। जोत सिंह जी, बस किन्ने बजे चंडीगढ़ों चली सी, इत्थे किन्ने बजे पुजी है? ये जी कल 3:21 ते गई है चंडीगढ़ बस, ते रात नूं तकरीबन 9:45 चंडीगढ़ तो चली आ, ते इत्थे जिहड़े डिपू दे गेट ते 2:50 तिन होई आ, ते उस तों बाद जिहड़ा कनैक्टर ड्राइवर इत्थे आए ने उहनां ने गड्डी नूं जिहड़ा उह बंद कीता, इत्थे स्विच बंद कीता, गड्डी दा जिहड़ा मेन स्विच हुंदा वा गड्डी दा हैंड जिहड़ा गेयर खिच्चा, ते अपना जरा इतने ड्यूटी सैक्शन आराम करते पे ही। तो उस तो बाद पता नहीं की कारण होया कि कोई तकनीकी खराबी आई है गड्डी चाह कोई शार्ट सर्कट हो गया, वो वजह ना जी तकरीबन 5 सवेरे जी अग लगी है। कितनी देर बाद अग लगी है जो बस इतने एंटर हुई है? कितनी देर बाद? तकरीबन 2 बाद लगी। उस वेले इस जगह पर वर्कशॉप कोई मौजूद थी? वर्कशॉप च उस वेले बहुत घट इत्थे हुंदे आ साडे वर्कर, क्योंकि जिहड़े ड्यूटियों ते हुंदे आ रैसट करदे हुंदे आ, थके टुटे हुंदे आ, ते बाकी जिहड़े वर्कशॉप दे विच साडे जिद्दां उधर जाड ते जां हुंदे आ बंदे एक दो, ते जां पंप ते हुंदे तेल पाउण वाले, जां कोई ड्राइवर एक किते वेख्या उहने भी गड्डी नूं थोड़ी जी अग निकलदी वेखी आ उहने, उस तों बाद उहने रौला पाया ते सारे जिहड़े आ अंदर सुत्ते सी अपने साडे जिन्ने वर्कर साथी उह बाहर आए आ, ते बाहर आउंदिआं सार जिहड़ी अग जिहड़ी आ उह जिहड़ी ज़्यादा मच गई गड्डी नूं, ते साडे वर्कर इत्थों मोटरसाइकिल ते जा के ते तुरंत उन्हां फायर ब्रिगेड की गड्डी लैके आए, ते 15-20 मिंट दे विच फायर ब्रिगेड पहुँच गया इत्थे। उस तों बाद जिहड़ी गड्डी तुहानूं वेख्यो हालत गड्डी दी, गड्डी जिहड़ी आ पूरी सड़ चुकी। जिहड़ी शुरुआती जाँच है उसका रीज़न पता चल पाया कि शॉर्ट सर्कट की वजह नाल लगी या किस वजह नाल लगी? इह तां जी हुण सवेर की पुलिस भी आई है 2 उह भी इनवैसटीगेशन करेगी, ते साडी विभागी जाँच भी होएगी इहदा विच। मैनू कोई लगता नहीं आ कोई, क्योंकि ये गड्डियां जिहड़ियां ने पूरी सेंसर सिस्टम आ, ये गड्डी का स्विच भी कटदे आ, ते जिहड़ी गड्डी पूरी पूर्ण तौर ते जिहड़ी ओह बंद नहीं हुंदी। इहदा जिहड़ा हुण पता नहीं, इह जांच कीता पता लगेगा भी इहदा हुण की इहदे विच आउंदा वा भी इह किद्दां गड्डी सड़ी आ, क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक गड्डी पूरी इलैक्ट्रॉनिक गड्डी, ते तारां तुहानूं पता भी इहदे विच बहुत ज़्यादा खलारा वा, उहदे तां पता नहीं हुण इह सर्कट शार्ट हो गिआ जां कोई तकनीकी खराबी आउण करके जिहड़ी आ उह अग लगी आ, होर कोई जापदा नहीं आ, क्योंकि काफ़ी किसे दी शरारत हो सकदी? शरारत मैनूं लगदा नहीं, क्योंकि इत्थे काफ़ी समय तो सारियां तुहानूं पता बसां वेखो खड़ियां ने, ते अगों पिछों इहो जिहा कोई चांस नहीं आ। पहला चांस आ जिहड़ा डिपू दे विच बस जिहड़ी अग लगी। सो बिल्कुल पहला चांस आ जिहड़ा डिपू च अग लगी, हालांकि इसकी जाँच हले की जा रही है, अग की वजह की है पुलिस भी इसकी जाँच दे विच जुटी है, लेकिन हले तक पता नहीं चल पाया। लेकिन जिहड़े प्रधान है उन्होंने जरूर कहना कि शॉर्ट सर्कट इस अग की जरूर वजह हो सकती है, लेकिन इस अग की वजह ना सारी बस सड़ के सवा हो गई। हालांकि हताहत इस दे विच कोई नहीं हुई है, जिस वेले बस इस जगह खड़ी सी उस वेले जिहड़ा इस जगह पर वर्कशॉप दे विच कोई भी मौजूद नहीं सी, हालांकि मुलाजमान ने जिहड़े इत्थे काम करदे उन्होंने जरूर देखिया, तो इसकी जांच हले की जा रही है। अमित शर्मा, पंजाब तक, अमृतसर।